ओम शांति जी, नमस्कार। मैं गर्वसी निराला आप सभी को अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम जानेंगे मूलांक और भाग्यांक। अगर आपका मूलांक 3 है और भाग्यांक 5, 3 और 5 का कॉम्बिनेशन आपस में क्या करता है और ऐसे लोगों का स्वभाव क्या होता है, करियर क्या होता है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। उससे पहले सबके लिए गुड न्यूज है, हमारा न्यूमरोलॉजी का क्लास स्टार्ट हो गया। आप सभी अगर इस विद्या को सीखना चाहते हैं, इस साइंस को सीख के अपने जीवन में अगर बदलाव लाना चाहते हैं या आप इसे एक प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, तो आप सभी का वेलकम है। आप डिटेल्स के लिए हमारे दिए गए नंबर पर कंसल्ट कर सकते हैं और कंसल्टेंसी के लिए भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मूलांक 3 ऐसे लोग होता है जिन व्यक्तियों का जन्म की तारीख किसी भी महीने का 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख या अगर 30 तारीख हुआ है तो आप मूलांक 3 से बोल करते हैं। बात समझते हैं कि 3 यानी कि बृहस्पति का नंबर होता है। जो ऐसे व्यक्तियों के पास नॉलेज का भंडार होता है, नॉलेज की कमी नहीं होती, ऐसे लोग पढ़ाई में काफ़ी फोकस रहते हैं, क्योंकि इनके ऊपर से जो है ना 3 नंबर बृहस्पति का होता है, यानी भगवान विष्णु की कृपा इनके पास ज़्यादा होती है। जितना चाहे जीवन में उतना पढ़ सकते हैं, उतना आगे भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि बोलते हैं कि जिसका गुरु के साथ है ना तो जीवन में किसी का कमी नहीं है। तो गुरु इनके बहुत अच्छे होते हैं और गुरु के साथ साथ इनको सपोर्ट भी मिलता है। ऐसे लोग अगर बोलते हैं बहुत आराम से पढ़ सकते हैं, ऐसे लोग बहुत ही एक अलग एटीट्यूड वाले व्यक्ति होते हैं, लेकिन उसका आपको घमंड नहीं करना, एटीट्यूड दिखाना है। अपनी फैमिली के लिए ये तन मन धन से भी सेक्रीफाई करते हैं, बहुत कुछ उनके लिए कुर्बानी भी देते हैं और करते हैं। और लेकिन 3 नंबर के साथ साथ जो कॉम्बिनेशन आ रहा है 5 नंबर यानी कि मरकरी का, बुध ग्रह का। बुध ग्रह क्या, हमारा 5 नंबर हमारी वाणी का है, बुद्धि का है, इंटेलेक्चुअल का है, बुद्धिमानी का ही पता था, और हम सबके वाणी का भी है नंबर 5। 5 नंबर क्या होता है, हमारे लाइफ में बैलेंस देता है, क्योंकि 5 नंबर अगर जिसके पास नहीं है ना, वो लाइफ में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा है, अप एंड डाउन की सिचुएशन जीवन में ज़्यादा चलती है। तो 5 नंबर क्या है ना, अप एंड डाउन से दूर रख सकता है। अगर लाइफ में बहुत बड़ी दुख हो या अधिक खुशी भी हो, तो खुशी के बाद अचानक गम आ जाए, या लाइफ में एक बैलेंस ना होना, अगर जिनके पास 5 नहीं होता, 5 नंबर है, आपको एक जगह काम नहीं टिकने देगा। आप आज वहाँ काम कर रहे हैं, फिर कहीं और काम करेंगे, स्थान चेंज हो या आपकी जॉब चेंज हो या प्रोफेशन चेंज हो, कहीं ना कहीं ये 5 नंबर बैलेंस कर देता है, अनबैलेंस करता है। लेकिन 3 और 5 अगर है तो कॉम्बिनेशन आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती रहती है। अब बात करते हैं कि मोर देन अगर देखा जाए ना, तो 80% लोगों की लाइफ में स्मूथ नहीं चलती है ड्यू टू रीजन ऑफ मिसिंग नंबर 5। अगर आपके पास 5 नंबर मिसिंग है तो लाइफ में बैलेंस नहीं है, लाइफ बैलेंस नहीं होने देगा, आप कोई काम करने में आपको मन नहीं लगेगा, सोचने समझने में ज़्यादा टाइम लगाएंगे, डिसीजन मेकर नहीं हो पाएंगे, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की आपके पास कमी हो सकती है। ये मिसिंग नंबर 5 जिनका होता है। बट जिनका मूलांक 3 और भाग्यांक 5 होता है, ऐसे लोग जन्म से ही लाइफ में फुलफिल्ड रहेगा, हर कुछ रहेगा, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी, और लाइफ में आगे भी जैसे या आपका रिलेशनशिप हो, या आपका लव लाइफ हो, या आपकी जॉब हो, या बिजनेस हो, या आपका घर का हो, गाड़ी हो, बंगला हो, हर चीज़ में हर जगह पे आपको सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि 5 नंबर पीछे से बुध भगवान यानी श्रीपति गणेश जी का कृपा है और आगे में आपके भगवान विष्णु यानी बृहस्पति जी का कृपा है। जब 2 देवों का कृपा रहेगा, दोनों देव नंबर है, तो जीवन में भी देवात्मक देव वाली क्वालिटी, स्पिरिचुअल क्वालिटी आएगी और हर काम आप अपनी बुद्धि से बुद्धिमानी से करेंगे। काफ़ी होता है भाग्यांक 5 वाले लोग जो होते हैं ना, देखने में लगेगा कि बहुत आलसी होते हैं। कभी कभी कुछ कंडीशन में ऐसे लोग आलसी भी देखेंगे, कुछ करते नहीं है, आलस में भी आ जाता है, बट आप जो काम इन्हें दे दो ना, वो टाइम पर करके आपको दे देंगे। ये काम को आपको क्या करेंगे, टाइम पर करके दे देंगे, कैसा भी काम हो पीछे नहीं उठेंगे। तो होता है मूलांक 3 और भाग्यांक 5 के कॉम्बिनेशन, जो आपस में बहुत अच्छा होता है और इस कॉम्बिनेशन वाले लोगों की लाइफ बहुत बेहतर और गुड होती है। उम्मीद करता हूँ आप अगर आज 3 और 5 वाले हैं तो आप चीज़ों को समझ गए होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।